फिलहाल मैं आराम से सोया हुआ था और मेरी छोटी बहन ने आके मुझे उठाया कि मम्मी पापा आ गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी अभी उठा हूँ, बिकॉज़ रात को मैं सोया था लेट, मैं 1 बजे सोया था और फिलहाल अभी अभी उठे हैं। सो फिलहाल अभी मस्त चाय बनाते हैं, बिकॉज़ मेरी छोटी बहन तो है नहीं घर पे, मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी, मम्मी पापा भी नहीं है। सो पहले चाय बनाते हैं, फिर बाहर घूमने चलते हैं। चाय बनाने के लिए चलते हैं रसोई में। रसोई पे लग रहा है लॉक, फिलहाल लॉक खोल लेते हैं। रसोई का बहुत बुरा हाल है, मम्मी के बिना तो सब इधर उधर बिखरा रहता है। बिना होना तो कोई भी घर की चीज एक जगह पे रह ही नहीं सकती, सब इधर उधर होगा। मुझसे तो वैसे ही नहीं संभाला जाता। हमारे घर में ना सभी ऐसे हैं, लेकिन मम्मी है ना घर को ऐसे जमा सजा के रखती है। सो फिलहाल अभी चाय बना लेते हैं। चाय का पतीला गैस पे चढ़ा दिया है, ये गंदा हो रहा था, मैं इसको धो के लाया हूँ। फिलहाल अभी तो पानी डाल दिया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल अभी ये स्टार्ट हो गया है। फिलहाल अभी इसमें चीनी पत्ती घेर दी है और अभी इसमें उबाल आते ही मैं इसमें दूध डाल दूँगा। हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है, अब इसको डाल लेते हैं गिलास में। चाय तो बन चुकी है, अब डाल लेते हैं इसको इसमें। इसमें डालने के बाद देखो कितना, ये मैंने ना रक्षाबंधन को अपनी बहन को गिफ्ट किया था, ये देखो। इसमें गर्म पानी डालते ही इसमें पिक्चर शो होने लगती है। सो फिलहाल अभी तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद घर को अंदर से थोड़ा सेट करते हैं, देखो सारा बिखरा पड़ा है। अभी रसोई में तो सफाई कर दी है मैंने, सब अच्छी तरह से रख दिया है, झाड़ू लगा दी है यहाँ पे। सो फिलहाल अभी चलते हैं कमरे की तरफ, उसमें झाड़ू झूड़ी लगा। रसोई के बाद अब कमरे की बारी है। सो मिशन कमरा सफाई आरंभ हो। तो फिलहाल मैंने पूरे घर को साफ कर दिया है, मुझे आधा घंटा लगा पूरे घर को सेट करने में। ये देखो पूरी सारी चीज़ अपनी अपनी जगह पे रख दी है, वो सामने अच्छा जितना हो सके मुझसे, मैंने अच्छा काम किया है। सफाई मैंने इसलिए भी की क्योंकि जब मम्मी घर गई थी ना, तब ऐसे छोड़ के गई थी, और उनको आने के बाद भी ऐसे बिखरा हुआ घर दिखेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने पूरी सफाई कर दी है, झाड़ू झूड़ू लगा दिया अच्छी तरह से। अब फिलहाल मैं फ्री हूँ, बाहर चलते हैं थोड़ा घूमते घूमते हैं, और फिर देखते हैं क्या मम्मी और कितने बजे तक। फिलहाल मैं आराम से सोया हुआ था और मेरी छोटी बहन ने आके मुझे उठाया कि मम्मी पापा आ गए। तो अब फिलहाल घर पे सब है, अब मज़ा आएगा। तो पहले तो मैं अकेला था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिलहाल सब आ गए घर पे। तो फिलहाल अभी मम्मी आई है। मम्मी कैसा रहा रात का सफर? बढ़िया। नानी ठीक थी? ठीक है, माता रानी की मेहर है भाई। क्या क्या करने गए थे वैसे आप वहाँ पे? रात जगाई थी। अच्छा, जागरण टाइप था, मतलब रात जगाई माता की। सो मम्मी और गई थी, फिलहाल आ गई है घर, नानी के घर सब ठीक है। हाँ। और सो फिलहाल मम्मी का मूड थोड़ा ऑफ है, बिकॉज मम्मी की तबीयत खराब है। और मम्मी नहीं है यार, डेरे यार खुद की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे सिर में आत्मा थी। खाना खाए वैसे? झूठ बोल रही? अच्छा, आँख में लग गया मेरे। सो फिलहाल अभी चाय बना रही है मेरी छोटी बहन, बिकॉज मम्मी और अभी आए आए हैं ना, तो चाय पी लेते हैं। फिलहाल अभी मम्मी तो चाय और रोटी खा के ना अपना आराम से सो गई हैं, तो फिलहाल मैं भी लंच कर लेता हूँ। लंच में कढ़ी और रोटी फिलहाल खा लेते हैं। लंच कर लिया, अब नींद आ रही है थोड़ी, सो जाते हैं थोड़ी देर। फिलहाल अभी सो के उठे हैं और मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे। कपड़े धो रहे? तबीयत ठीक है आपकी? ले मम्मी की तबीयत ठीक नहीं और कपड़े धोने नहीं गए। बाहर बच्चे अपना आराम से कंचे खेल रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। सो ये मेरा भांजा है, वो विशाल नहीं है, उसकी बहन का लड़का। बोल हेलो गाइस। हेलो गाइस। नू को ऐसे को क्या कर रहे हो? ये थोड़ा तोतला बोलता है। ये हमारी गुड़िया रानी क्या कर रही है? पापा खा रही हूँ। ये कंचा खेल रहे हैं आराम से। भैया खेलोगे कंचा? वो ये वाली कंचा, वो कास देखो पतंग उड़ाने की तैयारी में है। सो फिलहाल छत पे चलते हैं और दिखाते हैं आप। चलते हैं ऊपर,
फिलहाल पहुंच चुके छत पे और वो देखो वो पतंग उड़ाने की तैयारी में है। पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ नहीं रही? धागा ही नहीं है तो पतंग कैसे उड़ाएगा फिर? ओहो, पतंग के पीछे तीन बंदे परेशान हो रहे हैं। ओ उड़ गई, उड़ गई। ओ यार वो फिर नीचे आ गई। अब तो ओ यार वो फिर नीचे आ गई। पतंग उड़ तो रही है लेकिन पता नहीं क्यों हवा के दबाव में आ गया, हवा की वजह से वापस नीचे आ जा रही है। लेकिन सुबह से यार हवा बहुत मस्त वाली चल रही है, मजा आ रहा है बिल्कुल। सो थोड़ी पतंग उड़ी तो है ए, ए, यार फिर नीचे ना चली जाए। उड़ चुकी, उड़ चुकी है, जा चुके, जा चुके और ऊपर, और ऊपर। यार पता नहीं ये वापस नीचे क्यों आ जाती है। सो फिलहाल बच्चे खुश हो चुके अब पतंग उड़ने से। वो जोरी, ओ यार वो फिर नीचे चली गई। ले जा रहा ही छोड़ दिया, वो गई उड़ते उड़ते। ए ओ गई, तेरी पतंग कट चुकी है। कटी नहीं, इसने छोड़ दी। ओए तुझे पतंग उड़ानी नहीं आती? आती हो या फिर क्या? ढीली छोरी थी, छूट गई। इन्हें क्या पता, इन्हें तो ढील दे दी पूरी ढील दे दी, पतंग ही छोड़ दी। तुझे बुरा तो लग रहा तेरी पतंग गई? अच्छी बात है यार, गई तो गई, क्या बात है। वैसे भी इन्होंने वो होममेड थी, इन्होंने खुद बनाई थी, गई तो गई लेकिन उड़ा के जो मजा आया ना बहुत अच्छा लगा। इन्हें पतंग उड़ते उड़ा इसकी, इसने छोड़ी है वो तो, इसने मतलब इसके हाथ से निकल गई। क्या करे, वो छोटा था ना रस्सी, छोटी थी वो, इसके हाथ से निकल गई। अपनी पतंग कटवा के तीनों नाराश होके नीचे जा रहे हैं। ओए आराम से जाइयो, गिर मत जाइयो यार। पहले आकाश, फिर सुमित और अब इंदर उतर रहा है। सो वहां पे देखो कैसे बच्चे आराम से अपना कंचे खेल रहे हैं। अभी बच्चे यहाँ पे कुछ खेले थे, वो क्या खेले थे? हॉकी खेल रहे हैं। और फिलहाल इनकी बॉल है ना, ये देखो आप कैसे वहाँ पे वो सब खड़े वहाँ पे, वो नाले में घुस गई है बॉल। तो फिलहाल निराश होते हुए वापस आ चुके हैं यहाँ पे। बॉल इन्हें निकाल ली है और फिलहाल अभी गेम कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई कर स्टार्ट गेम। फिलहाल अभी मेरा शाम का काम ये है कि मुझे ना सब्जी बनानी है सबके लिए। सो मैं सब्जी बना रहा हूँ आलू और मटर की। मैंने आलू छोल दिए हैं, अच्छी तरह धो दिए हैं और मटर को मैंने उनके छिलकों से निकाल दिए हैं और टमाटर प्याज काट दिए हैं। फिलहाल भी मैं सब्जी बना लेता हूँ क्योंकि मम्मी की ना तबीयत ख़राब है, तो मम्मी को क्या ही अभी यार तंग करना है, सब्जी मैं ही बना देता हूँ। ये सब कुछ चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हैं। ये टमाटर प्याज हैं, ये आलू मटर हैं और फिलहाल मैंने अभी ये कुकर चढ़ा दिया है। सो फिलहाल अभी गैस को स्टार्ट कर, फिलहाल मैंने अभी गैस को ऑन कर दिया है और इस तरफ चाय बन रही है बिकॉज घर पर गेस्ट आए हुए हैं। सो फिलहाल अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं गिरा, सो फिलहाल मैं अभी इसमें तेल गिर दे। सो फिलहाल अभी तेल डाल दिया है और अब छिमका लाते हैं इसके अंदर। चाय भी बनके रेडी हो ही गई है और तेल गर्म हो गया है। नहीं बहुत देर होगी वेट करते को लेकिन अभी तेल ही नहीं गर्म हो गया तेरा। तो फिलहाल अभी तेल गर्म हो गया है, आपको ये भाप भी दिख रही होगी। सो फिलहाल अभी जीरा डाल देते हैं इसके अंदर। वाह क्या साउंड है, फिलहाल अभी धमाका होने वाला है। ओले, जब तक प्याज लाल नहीं हो जाएंगे तब तक तो कुछ ऐसे ही हिलाते रहो। ऑलमोस्ट तो प्याज तैयार हो ही गए हैं। सो फिलहाल अभी डाल देते हैं मटर। ओए 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 बाहर मत निकलियो। सो बीज को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फिलहाल अभी एक पेस्ट बना लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले इसमें डालते हैं हल्दी आधा चम्मच और ये पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च। मुझे तो थोड़ा तीखा खाना ही पसंद है इसीलिए लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा गिर देते हैं। और अभी और लास्ट में बच गया नमक, थोड़ा ज़्यादा गिर लिया, बड़ा कोई सब्जी से ही। नमक भी डाल देते हैं, थोड़ा कम ही डाल देते हैं। अब पानी डाल लेते हैं, इसमें लिक्विड सा बन जाएगा, बहुत है इतना। इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। ये डाल दिया इसके अंदर। सो फिलहाल अभी तक तो मैंने गैस को थोड़ा नॉर्मल ही रखा था, अब फुल कर दिया है। सो इसमें थोड़ा और पानी डाल देते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिलहाल अभी ढक्कन ला देते हैं इसका।
फिलहाल सब्जी तो मैंने तैयार कर दी है, तो फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। तो फिलहाल अभी घूम के आ गए हैं, तो अभी डिनर कर लेते हैं। मैं मस्त आलू मटर की सब्जी जो मैंने ही बनाई थी और रोटी फिलहाल खा लेते हैं। डिनर तो कर लिया है, सब्जी मतलब ठीक ही बनी थी, लेकिन जो मम्मी के हाथ में स्वाद है ना वो कहीं नहीं है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।